दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रघु 786 को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर थम्स अप पर क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके या कुछ सजेशन या सुझाव हो हमारे चैनल के लिए या आपका कोई डाउट हो तो भी आप यहाँ पर कमेंट करके हमको बता सकते। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रघु 786 में एक बार फिर से। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूं। फ्रेंड्स मेरी बाइक में आप इधर देख सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा रस्टिंग होने लगी थी क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही रेनी डेज थे तो मैंने ज़्यादा चलाई नहीं थी तो खड़े खड़े इसमें रस्टिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको निकालने वाले हैं आज, कैसे निकालना और इसके ऊपर कलर कैसे करना, तो फ्रेंड्स मैं यही बताने वाला हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, और फ्रेंड्स दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड यहाँ पर भी रस्टिंग है और उसके बाद इधर ये सब रस्टिंग पता नहीं क्यों होने लगी थी, वेयर होने लगा था मैं तक क्योंकि यहाँ से पेंट निकल गया था तो वेयर होने लगा। और उसके बाद इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रस्टिंग है, तो इसको हमको फ्रेंड्स निकालना है तो उसके लिए हम स्प्रे लेके आए हैं एरोसोल का, तो उसको अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड वेट। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एरोसोल का स्प्रे, ब्लैक कलर का है फ्रेंड्स क्योंकि हमारी स्कूटी भी ब्लैक कलर की है। तो फ्रेंड्स इसको हमको सबसे पहले कलर करने के लिए इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके पहले इसको सैंड पेपर से घस देना अच्छी तरीके से, जिससे कि ये जो रस्ट है वो निकल जाए। चलिए मैं आपको पहले सैंड पेपर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास सैंड पेपर, आप देख सकते हैं पतला वाला ही सैंड पेपर है, ज़्यादा मोटा वाला नहीं है। और उसके बाद ये रहा एक, तो मेरे पास दो हैं। और उसके बाद सबसे पहले फ्रेंड्स हमको करना क्या है, इसको यहाँ से हमको घिस देना है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स पूरे में आपको नहीं घिसना है, जहाँ जहाँ पेंट निकला हुआ है या उसके थोड़ा साइड में बस घिस देना है आपको अच्छी तरीके से। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप पूरे में घिस दीजिएगा, मैं चलिए अभी इसको घिस दे रहा हूँ पूरे में और फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या हमको करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये निकल चुका है और ये भी आप देख सकते हैं खड़े खड़े इसमें पेंट इधर से भी निकलने लगा था, इससे हमारा फ्रेंड्स मेटल वेयर हो जाएगा जिससे कि बाद में थोड़े दिन बाद ये ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए चेंज करने से अच्छा है कि हम इसको कलर कर सकते हैं। एरोसोल का फ्रेंड्स वही हमारा कलर पेंट, सॉरी स्प्रे। तो उसके बाद हमको करना क्या है कि इसकी तीन लेयर करनी है, थ्री कोट्स में फ्रेंड्स आज हम इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले आपको कर देना है, उसके बाद 15 मिनट्स वेट करना है, फिर उसके बाद एक कर देना, फिर उसके बाद 15 या 20 मिनट्स का वेट करना, फिर उसके बाद करना। तो फ्रेंड्स थ्री कोट्स में आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और ये पूरा हम नया करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं सबको घिस लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको घिस लिया अच्छी तरीके से और इसके लेग गार्ड निकाल दिए हैं, जिससे कि क्योंकि हम ऊपर पेंट करेंगे यहाँ पर तो ये इस पर आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, गीला कपड़ा लेना है आप देख सकते हो, और इधर आपको मतलब पोंछ देना अच्छी तरीके से। मैंने वॉश किया था इसको लेकिन उसके बाद मैं पोंछ रहा हूँ इसको, वॉश नहीं, इससे आप देख सकते हैं गीला कपड़ा इससे पोंछ देना अच्छी तरीके से, जिससे कि जहाँ भी डस्ट या पेंट होगा वो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उसको घिस के फिर से ऐसा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक सूखा कपड़ा लेना है इसी का, कि अच्छा सा आप कपड़ा लीजिएगा सूखा हुआ, जिससे कि आप इसको पोंछ सकें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो अभी हम एक सूखा कपड़ा लाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको करना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं एक सूखा कपड़ा ला लेके आ चुका हूँ और अभी हम इसको पोंछने वाले हैं अच्छी तरीके से।
तो इसको हम पोंछ लेते हैं। और फ्रेंड्स कहीं भी इसको गीला मत छोड़िएगा, आप चाहे तो इसको वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से इसको पोंछ रहा हूँ, तो मैं अभी कर दूंगा। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो ये ग्रीस है इसको टेंटू पर, इस टेंटू पर लगा सकते हैं, जिससे कि ये कलर ना इस टेंटू पर नहीं होगा, बाकी और सब पर हो जाएगा। तो अभी हम इस पर बस लगा देते हैं, और इधर भी आप इधर इस जगह पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा टेंटू है तो वो उससे गंदा हो जाएगा, उसका ब्लैकिश पूरा हो जाएगा, तो फिर निकलेगा नहीं सूखने के बाद। तो अभी हम इसको कलर इस पर ग्रीस लगा देते हैं। ऊपर भी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा मैं ही आज शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था वो आज है नहीं है घर पर। तो फ्रेंड्स हमने इसको कर लिया, उसके बाद हमको करना क्या, अपना स्प्रे ले लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा स्प्रे हमारा। और फिर उसके बाद इसके तीन कोट करने हैं, मैंने आपको बताया था, पहले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। तो अभी हम इसको करते हैं। और फ्रेंड्स आपको दूर से इतनी दूरी बना के रखनी है यहाँ से यहाँ तक की, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम करते हैं, उसके बाद फिर और अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको कर दिया है पहला कोट। और अभी आप देख सकते हैं ये वाला टैटू पूरा जग गया, क्योंकि अभी हमने इस पर ग्रीस कर दिया, तो बाद में सही हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं इधर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस आपको ऐसे ही करना है, उसके बाद इसके थ्री कोट्स करने हैं। तो तब तक फ्रेंड्स हम 15 मिनट वेट करते हैं, और उसके बाद तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से पहला वो उस पर कर दिया कोट। अब इस पर फ्रेंड्स सेकंड कोट का टर्न है, तो भी मैं पेंट इसको निकाल के वापस से इसमें अब हमको सेकेंड कोट करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमको करना क्या है, सेकेंड कोट करने के लिए फ्रेंड्स वही इसमें प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि पेंट से इसको वैसे ही करना है जैसे पहले हमने किया हुआ था। तो इसको फ्रेंड्स अच्छी तरीके से ऐसे चेक कर लेना है, फिर से वैसे ही करना है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करना है। तो अभी हम कर रहे हैं इस पर। और फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा स्मोक निकलेगा, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे थोड़ा सा ग्लास पहन के ही इस पर करें, क्योंकि आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स बस यही था इसमें, और सेकंड कोट भी हमारा पूरा होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने सेकंड कोट भी अच्छी तरीके से पूरा कर दिया, और अगर इधर थोड़ा सा रह जाए तो आप उसको भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था सेकंड कोट में, और अभी हमने यहाँ पर किया था इस जगह पर, इसको स्टैंड को निकाल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कर देना है आपको, और उसके बाद इस पर भी मैंने किया हुआ था, तो इस पर भी आपको कर देना। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पर मैंने किया हुआ था, नया लग रहा है बिल्कुल फ्रेंड्स ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पर भी किया था, आप देख सकते हैं पेंट काफी अच्छी तरीके से हुआ है ये फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम पेंट हुआ। और भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम हुआ इस जगह। यहाँ पर मैंने नहीं किया था क्योंकि यहाँ ग्रीस लगा दिया, तो मैंने पोंछ के दिखा निकल रहा था। अभी हम इसको पेंट से यहाँ पर भी तीन बार करेंगे, तो पूरा एक सा हो जाएगा, जहां जहां रह गया था वहां पर आप एक्स्ट्रा मत कीजिएगा कि ऐसे ही कर देना। आपको मैं पेंट से एक सेकंड दिखा, फिर
फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे करें। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा दूर रख के इस तरीके से यहाँ से करना रह जाता तो आपको अभी करना नहीं है, वो सेकंड पोज में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इधर भी आप देख सकते हैं ये वाला, इस जगह पे, यहाँ पर मैंने नहीं किया क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट प्रूफ वो नहीं है, लेकिन वर्क कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि मैंने अंकल से पूछा था, वो बोले उसको रहने दीजिएगा, हल्का सा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस साइड भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है यहाँ से, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं टेपिंग करवाने वाला हूँ, मैंने इसलिए ये नहीं करवाया था, टेपिंग यहाँ पर करवाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या इसमें करवाया। और फ्रेंड्स अभी हम इसी को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करेंगे अपनी स्कूटी को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी, यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, और जहाँ जहाँ रह गया था जैसे इस जगह हल्का सा रह गया तो वो थर्ड कोट में पूरा एक सा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो ये थर्ड कोट में पूरा एक सा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से करना है, तब तक हम वेट करते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट्स थर्ड कोट के लिए। तब तक लिए फ्रेंड्स आप और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स जहाँ आप जल्दबाजी मत दिखाइएगा, नहीं तो आपका कलर सही तरीके से नहीं होगा। तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा पेंट कर दिया है, और इधर से आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर अच्छा फिनिशिंग आई है यहाँ पर, इधर आप देख लीजिए। और मैंने पीछे भी किया था तो वो मैंने आप वीडियो में नहीं शो कर पाया था क्योंकि मैं आज ही अकेले ही शूट कर रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं शाइनिंग काफी फ्रेंड्स अच्छी आ रही है इसमें, और इधर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे वो थे तो वो भी नहीं है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको कलर किया था, इसको आप देख लीजिए, इसमें फ्रेंड्स थर्ड कोट में काफी अच्छा यहाँ पर पहले नहीं आ रहा था वो आ चुका था पूरा, और इसको भी देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप 3 कोट कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं मैक्सिमम। आपको सजेस्ट करूंगा आप 3 ही कीजिएगा क्योंकि पहले वाले में सही नहीं आ पाता, दूसरे वाले में आया, दूसरे वाले में आया, तीसरे वाले में आ ही जाता है, क्योंकि अगर ये आप दूर से करेंगे तो एक सा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना एकदम क्लीन आ रहा है इस जगह, आप देख लीजिए। और भी मैंने इसमें दिग्गी के अंदर भी किया था इस जगह पर, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने किया था, आपको दिख रहा होगा, देखिए है फ्रेंड्स यहाँ पर भी जंग लग चुकी थी, भैया रोने लगा था यहाँ से, ये मेटल इधर देख लीजिए, ये अभी इस पर नहीं हो पाता, इस पर 2 ही कोट किए थे, इधर आप देख लीजिए, इधर 2 कोट में काफी फ्रेंड्स अच्छा हो गया, लास्ट कोट रह गया फ्रेंड्स उधर। तो मैंने यहाँ पर 3 कोट कर दिए थे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा आया यहाँ पर। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप पेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपके कुछ सुझाव हो हमारे चैनल के लिए तो वो भी आप जरूर दीजिएगा।